हेलो फ्रेंड्स दिस संजय आज के इस वीडियो में हम 30 ईवीएस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीटीईटी पेपर वन डिसंबर 2021 एग्ज़ामिनेशन अब ये जो पेपर था ये कंडक्ट किया गया थर्ड ऑफ जनवरी 2022 को जैसे कि आप जानते होंगे ये सीटीईटी दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम था वो शुरू हुआ सिक्सटीन ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी और ये एग्ज़ाम चला ऑल द वे टिल ट्वेंटी ऑफ जनवरी ट्वेंटी तक यानी कि ये एग्जाम जो है वो 23 डिफरेंट डेज पे कंडक्ट किया गया यानी कि 23 डिफरेंट पेपर वंस हमारे पास है सॉल्व करने के लिए क्योंकि एक एक पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं ईच सब्जेक्ट के तो इस सीरीज में हम इन टोटल 690 हंड्रेड ईवीएस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिसंबर ट्वेंटी एग्जाम से सो so चलिए शुरू करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ यानी कि इनमें से कौन से एनिमल के फ्रंट टीथ जो है वो उसके पूरे जिंदगी ग्रो करते ही रहते हैं अब ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है क्लास फोर ई ए बिजी मंथ चैप्टर से और उसमें बताया गया है कि ए स्क्रल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे हैव टू कीप नोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग अब ये जो है ये चूहों के लिए भी करेक्ट स्टेटमेंट है अब चूहे या फिर स्क्वेर uh, जो है उनके फ्रंट टीथ उनके पूरे जिंदगी ग्रो करते ही रहते हैं और अगर वो कॉन्स्टेंटली कुछ खाते नहीं है या फिर कुछ चबाते नहीं है तो फ्रंट टीथ एवेंचुअली इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं तो इसीलिए जो है स्क्विरल्स और रैट्स हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं और बहुत सारा डैमेज करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है स्क्विरल अगर ऑप्शंस में रैट होता तो रैट भी परफेक्टली करेक्ट आंसर होता आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट हनी बीस यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हनी बीज के बारे में कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अब ये क्वेश्चन जो है ये क्लास फोर ई चैप्टर फाइव अनिता एंड द हनी बीज से लिया गया है लेकिन ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन भी है क्योंकि अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आंसर कौन से हैं या फिर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जैसे कि जानते हैं एक हाइव में एक ही क्वीन बी रहती है और कुछ सौ मेल बीस रहते हैं और हज़ारों के संख्या में वर्कर बीस रहते हैं अब हाइव में जो है ओनली क्वीन बी लेस एग्स यानी सिर्फ क्वीन बी जो है वो अंडे ले करती है और मेल बीज जो है वो सिर्फ इन अंडों को फर्टिलाइज़ करने में मदद करते हैं बाकी वो कुछ नहीं करते हैं अब नेक्स्ट वर्कर बीज जो है ये एक्चुअली हमें छत्ते के बाहर नॉर्मली दिखते हैं ये जाते हैं जाके फ्लावर से नेक्टर लेके आते हैं जो हाइव में हनी बनता है अब ऑप्शंस को देखते हैं पहला है ओनली द क्वीन बी लेस एग्स ये करेक्ट है क्योंकि सिर्फ क्वीन बी जो है वो अंडे डालती है और नेक्स्ट द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर ये भी करेक्ट है क्योंकि मेल बीज जो है वो सिर्फ ये अंडों को फर्टिलाइज़ करने में मदद करते हैं बाकी वो कुछ काम नहीं करते हैं और वर्कर वर्कर की तरह वो डेफिनेटली काम नहीं करते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और नेक्स्ट ऑल फीमेल बी ले द एग्स ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सिर्फ क्वीन बी जो है वो फीमेल होती है जो अंडे डालती है और लास्ट वाला है वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि सिर्फ वर्कर बीज जो है वो हमें बाहर छत्ते के बाहर देखते हैं और वो जाके फ्लावर्स में से नेक्टर लेके आते हैं तो क्योंकि ए बी और डी करेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ए बी एंड डी आंसर है पीपल हु हैव बिन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स यानी कि जैसे ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं तो अगर लोग फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं एज ए वे ऑफ लाइफ फॉर ओवर ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो उनका हक होता है राइट होता है वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर और जो फॉरेस्ट में नेचुरली कुछ सामग्री ग्रो होते हैं जैसे बैम्बू हो सकता है तेंदू पत्ता हो सकता है या फिर हनी हो सकता है तो वैसे सब्सटेंसेस को वैसे रिसोर्सेज को वो ले सकते हैं वो अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और बाज़ार में बेच भी सकते हैं तो ये राइट जो है ये कहाँ से आता है अब ये क्वेश्चन एन सी आर टी क्लास फाइव ई वी एस हुज फॉरेस्ट चैप्टर से लिया गया है जहाँ पे ये लिखा गया है कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सेवन गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बिन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स राइट द राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज ग्रोन इन इट तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2007 है हाँ ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं दे रहा है ऐसा नहीं है कि वो जाके सारे पेड़ काट सकते हैं वो फॉरेस्ट में से या फिर सारे एनिमल्स को हंट कर सकते हैं तो ऐसे अनलिमिटेड राइट्स नहीं देता राइट टू फॉरेस्ट एक्ट लेकिन कुछ राइट्स डेफिनेटली देता है जैसे कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो नेचुरली ग्रो हो रहा है उसे कलेक्ट कर सकते हैं वो जो फायरवुड नीचे गिर रहा है या फिर सूखे हुए पेड़ है उन्हें वो काट के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे कुछ राइट्स जो है ये एक्ट देता है झूम फार्मिंग इज वॉट यानी कि झूम फार्मिंग इनमें से किसे बोलते हैं अब झूम फार्मिंग जो है ये एक तरह का फार्मिंग टेक्निक है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो लैंड पे जैसे नेचुरल वीड्स या फिर बैम्बूज ग्रो होते हैं तो उन्हें पुल आउट नहीं किया जाता उन्हें वहीं पे काट के बर्न किया जाता है जला दिया जाता है और जो राख निकलता है उसमें से तो वो जो है वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ताकि जब नेक्स्ट क्रॉप्स ग्रो करें वहाँ पे तो क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं और एक बार क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं तो वो लैंड को अगले दो तीन साल तक वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो रिज्यूवनेट हो जाए और फिर से वहाँ पर ये जो वीड्स है या फिर बैम्बूस है वो फिर नेचुरली ग्रो होने लगते हैं और ये साइकिल फिर से रिपीट होता है फिर से उन्हें काटते हैं वहीं पे जला देते हैं और फिर से एक राउंड क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं तो इस तरह का फार्मिंग जो है उन्हें बोल उसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग यानी कि झूम फार्मिंग क्योंकि स्लैश यानी काटना और बर्न यानी जलाना तो क्योंकि बैम्बू और वीड्स को स्लैश करके जलाते हैं तो इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं अब ये क्वेश्चन जो है इसे लिया गया है ई चैप्टर ट्वेंटी हूस फॉरेस्ट चैप्टर से तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्लैश एंड बर्न रोनाल्ड रॉस रिसीव नोबल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 जीरो टू फॉर डिस्कवरिंग वॉट यानी कि रोनाल्ड रॉस को नोबल प्राइज किस वजह से दिया गया था अब रोनाल्ड रॉस जो है वो एक ब्रिटिश डॉक्टर और साइंटिस्ट थे जो कि इंडियन मेडिकल सर्विस में काम करते थे ब्रिटिश राज के दौरान और इन्होंने जो है एक मस्किटो को ओपन करके उसका उसके पेट में के क्या क्या है बोल के उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और उन्हें ये दिखा कि जो मलेरिया के पैरासट होते हैं वो एक्चुअली मस्किटो के स्टमक में है तो वो ये प्रूव कर पाए कि मलेरिया जो है वो मस्किटो से स्प्रेड होता है और इस वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मस्किटो तो ये करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन जो है ये क्लास फाइव ईवीएस ए ट्रीट फॉर मस्किटो से लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ दिन ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया यानी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिंखोना ट्री का किस पार्ट का इस्तेमाल होता है अब ये क्वेश्चन क्लास फाइव ईवीएस चैप्टर एट ए ट्रीट फॉर मस्किटो से लिया गया है और ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन भी है क्योंकि हमें पढ़ने को मिलता है कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक क्विनाइन बोल के एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और क्विनाइन जो है वो ओरिजिनली सिंखोना ट्री से बनाया जाता था स्पेसिफिकली सिंखोना ट्री का जो बार्क होता है उसका जो आउटर स्किन होता है तो वो बार्क को बॉयल करके उसमें से क्विनाइन बनाया जाता था तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्विनाइन हाँ आजकल जो है क्योंकि क्विनाइन बहुत भारी मात्रा में यूज करना पड़ता है तो वो आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में बनाया जाता है लेकिन ओरिजिनली जो है वो सिंखोना ट्री के बार्क से बनाते थे और यही इन्फॉर्मेशन जो है वो चैप्टर में भी दिया गया है कि फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंखोना ट्री वॉज यूज टू मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया द पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड वॉट यानी कि जो सांप के पॉइजनस टीथ होते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है ये क्वेश्चन क्लास फाइव ई वी एस एसनेक चार्मर स्टोरीज चैप्टर से लिया गया है अब सांप के कुछ हॉलो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प टीथ होते हैं जो सिरिंज की तरह होते हैं यानी कि जब वो सांप काटता है क्योंकि वो टीथ हॉलो है तो उनके थ्रू पॉइजन इंजेक्ट हो जाता है अब ये जो हॉलो शार्प टीथ होते हैं तो उन्हें फैंग्स बुलाया जाता है तो करेक्ट आंसर है फैंग्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक फाउंड इन इंडिया यानी कि इनमें से कौन सा एक स्नैक है जो पॉइजनस नहीं है और इंडिया में पाया जाता है अब ये क्वेश्चन क्लास फाइव ई वी एस एस स्नैक चार्मर स्टोरी से लिया गया है या तो ये चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे इस्तेमाल करके हम आंसर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आंसर चॉइस को पढ़ के भी हम आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि पाइथॉन जो है वो पॉइजनस स्नैक नहीं होता तो यहां पे क्लियरली लिखा है कि इंडियन रॉक पाइथन तो ये पाइथन जो है इंडिया में पाया जाता है तो ये करेक्ट आंसर है अब बाकी आंसर्स में वाइपर वाइपर और क्रेट राइट तो वाइपर और क्रेट जो है वो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं तो यहां पे करेक्ट आंसर इंडियन रॉक पाइथॉन है वर्मी कॉम्पोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉम्पोस्टिंग दैट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि वर्मी कॉम्पोस्टिंग के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है ये क्वेश्चन क्लास फाइव ई चैप्टर नाइनटीन ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी से लिया गया है जहाँ पे हमें यह बताया जाता है कि ये किचन वेस्ट जो होता है जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनमें बरी किया जाता है ताकि अर्थवर्म्स उसे खा के उसको कॉम्पोस्ट यानी फर्टिलाइजर में बदल देते हैं तो ये होता है नेचुरल फर्टिलाइजर तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अर्थवर्म्स तो अर्थवर्म्स है ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं तो देखते हैं कि टेप वर्म और हुक वर्म जो है वो एक्चुअली पैरासाइट होते हैं और लीचस जो है वो खून पीते हैं तो सिर्फ अर्थवम जो है वो ऐसे कॉम्पोस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो करेक्ट आंसर अर्तवम है पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम विच एनिमल यानी कि पश्मीना जो है एक बहुत ही सॉफ्ट और फाइन किस्म का वूल होता है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एनिमल से ऑप्टेन करते हैं अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास फाइव ई चैप्टर ए शेल्टर सो हाई से लिया गया है और वहाँ पे ये मैंशन है कि द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड इन वेरी हाई आल्टीट्यूड्स अब ये एक गोट से ये वुल ऑप्टेन किया जाता है और ये गोट्स जो है वो बहुत ही हाई आल्टीट्यूड रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे कि कश्मीर में तो यहाँ पे आंसर गोट है शीप नहीं है कैमल नहीं है और अल्पा का भी नहीं है तो यहाँ पे गोट आंसर है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन या फिर एल गैस जब ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते इनकम्प्लीटली और इनफिशेंटली बर्न होते हैं तो इनमें से कौन सा गैस वो रिलीज करते हैं अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास एट साइंस टेक्स्ट बुक से कम्बशन एंड फ्लेम चैप्टर से लिया गया है यहां पे बताया गया है कि इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ दिज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनाक्साइड गैस विच इज़ वेरी पॉइजनस और कार्बन मोनाक्साइड है वो सी होता है तो यहां पे सी कार्बन मोनाक्साइड करेक्ट आंसर है ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाई मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वाटर यानी कि एक पौधों को पानी देने का एक तकनीक होता है जिसमें ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये ट्यूब्स के द्वारा पानी को डायरेक्टली प्लांट्स के बेस के पास यानी रूट्स के नज़दीक पहुंचा दिया जाता है तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं अब ये तो जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है क्योंकि आप आंसर चॉइसेस को पढ़ के भी ये इसमें से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं या फिर अगर आपने एन क्लास सेवन साइंस टेक्स्ट बुक में वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा है कि ड्रिप इरीगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ़ वाटरिंग प्लांट्स बाई मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ड्रिप इरीगेशन जिसे कि आपने देखा होगा कुछ फार्म्स में कुछ बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स लगे हो, होते हैं जिनमें से पानी जो है बह के डायरेक्टली प्लांट्स के बेस के पास पहुँच जाता है अब कभी कभी क्या होता है उस पानी में फर्टिलाइज़र भी मिला दिया जाता है ताकि फर्टिलाइज़र भी वेस्ट नहीं होता वो भी डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के पास जहाँ पे उसे इस्तेमाल होता है वहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाता है तो इस टेक्निक को ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स यानी कि इनमें से कौन सा प्लांट कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उन्हें खाता है अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आता है पिक्चर प्लांट के बारे में या फिर उसे नेपनथीस भी बुलाया जाता है अब ये पिक्चर प्लांट जो है इसमें एक पिक्चर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे और इसमें नीचे नेक्टर होता है और इसके ऊपर एक लीव का कवरिंग होता है ये जब स्मेल आता है इसमें से नेक्टर का तो इंसेक्ट्स या फिर कभी कभी छोटे फ्रॉग्स या फिर कभी छोटे जो चूहे होते हैं वो भी ये स्मेल से अट्रैक्ट होकर इसके अंदर पहुँच जाते हैं और जब ये अंदर जाते हैं वो नेक्टर पीने के लिए तो ये ऊपर वाला जो ट्रैप है जो लीफ का ट्रैप है वो क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट्स या फिर वो फ्रॉग्स या फिर वो रोडेंट्स uh, जो है वो इसके अंदर ही फंस जाते हैं और अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ये प्लांट जो है एक्चुअली ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को और खाता है उसे तो आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है पिचर प्लांट और ये प्लांट जो है इंडिया में भी मेघालय में पाया जाता है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज़ कॉल्ड वाट यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करके स्टोर करना और उसे फ्यूचर में यूज़ करना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अब ये जो है ये बहुत ही कॉमन सेंस या फिर जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है क्योंकि अगर सारे आंसर चॉइसेस को पढ़ते हो तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और अगर आपने एन क्लास सिक्स साइंस चैप्टर वाटर ये पढ़ा हुआ है तो इसमें भी यही लिखा है कि वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज एंड दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो जब बारिश के मौसम में पानी को जो है अंडरग्राउंड टैंक्स में या फिर तालाबों में या फिर लेक्स में पॉन्ड्स में तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है और ड्राई सीजन में जब पानी एक्चुअली यूज़ होता है तो तब फिर से उसे वहाँ से पंप करके निकाल के यूज़ किया जाता है तो ये पानी को स्टोर करके रखना रेनी सीजन में और फिर इसे बाद में दूसरे मंथ्स में ड्राई मंथ्स में यूज़ करना उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं तो ये करेक्ट आंसर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसजेस इज स्प्रेड बाई मस्कीटोज यानी कि इनमें से कौन से डिसीजेस को मस्कीटोज स्प्रेड करते हैं या फिर मच्छर जो है वो स्प्रेड करते हैं अब ये बहुत ही कॉमन सेंस या फिर जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है बिगर बिकॉज आप सारे ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि निमोनिया जो है वो मच्छरों से स्प्रेड नहीं होता मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों जो है वो थ्रू मस्कीटोज स्प्रेड होते हैं अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास फाइव ई वी एस ट्रीट फॉर मस्कीटोज चैप्टर से लिया गया है जहाँ पे भी यही बताया गया है कि दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू एंड चिकन गुनिया तो करेक्ट आंसर में ए सी और डी होना चाहिए तो ए सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स इंश्योर कंसिव एनवरमेंट फॉर चिल्ड स्टूडेंट्स टू लर्न विच आर द फॉलोइंग सजेस्ट सेम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में इनमें से कौन सा एक्टिविटी या फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास रूम को इंडिकेट करता है अब ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड क्लास रूम जो है वो क्या होता है ये एन सी आर टी के क्लास फाइव ई वी एस टेक्सट बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स अगर वो पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है कि दिस टेक्सट बुक इज़ चाइल्ड सेंटर्ड सो चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाई रोड यानी कि यह टेक्स्ट बुक जो है एक फ्रेमवर्क देता है एक अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को और बच्चों को बहुत सारा स्पेस मिलता है कि वो खुद एक्सप्लोर कर सके और नॉलेज गेन कर सके अब सारे अगर ऑप्शंस में देखते हैं और देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर जो है वैसे प्रोसेस होते हैं या फिर वो सिचुएशन होता है जहाँ पे बच्चा या फिर चिल्ड्रन वो सारे लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं और टीचर सेंटर जो है जहाँ पे टीचर एक्चुअली ये सारे प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं अब पहला ऑप्शन बोल रहे हैं टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू अबे एंड बी डिसिप्लिन अब इफ़ टीचर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस राइट तो यहाँ पे पूरा काम तो टीचर कर रहा है तो ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है ये टीचर सेंट्रिक है तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता नेक्स्ट वन टीचर रीड्स द टेक्स्ट बुक राइट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड अभी ये भी जो है ये टीचर सेंट्रिक हो गया क्योंकि टीचर यहाँ पे पूरा काम कर रहा है तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता नेक्स्ट वन टीचर प्रोवाइड्स ए लर्निंग सिचुएशन दैट गिव स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अब्जर्व एक्सप्लोर क्वेश्चन एक्सपीरियंस एंड डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट यानी कि टीचर जो है वो सिर्फ एक सिचुएशन बना रहा है एक ऑपरचुनिटी दे रहा है और बच्चे उस ऑपरचुनिटी को लेकर ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सपीरियंस और वो एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर पूरा जो एक्टिविटी है वो बच्चे ड्राइव कर रहे हैं चिल्ड्रेन आर ड्राइविंग इट सो इट इज़ चाइल्ड सेंट्रिक और लास्ट वाला है टीचर कंट्रोल्स वॉट हैपन्स इन द क्लास रूम एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन मिनिमल अब ये तो है कंप्लीटली टीचर ड्रिवन या फिर टीचर कंट्रोल और टीचर सेंट्रिक हो गया तो ये भी आंसर चॉइस नहीं हो सकता तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सिंपल टेक्निक है आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिएगा जो ऑप्शंस में टीचर पूरा प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है या फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस को टीचर ड्राइव कर रहा है वो टीचर सेंट्रिक होते हैं जिस ऑप्शन में बच्चे पूरा प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं या फिर मेजोरिटी ऑफ़ द प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है तो यहां पे चाइल्ड सेंट्रिक तीसरा वाला ऑप्शन है इन क्लास फाइव चैप्टर अक्रॉस द वॉल ए टीचर आर इफ अलाउ स्टूडेंट्स टू शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पोर्ट्स द प्ले विच ऑफ़ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हिज अटेम्प्ट यानी इस चैप्टर में एक एक्टिविटी दिया गया है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करता है अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए जो स्पोर्ट्स वो खेल रहे हैं उसके एक्सपीरियंसेस राइट right? और इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है अब इस क्वेश्चन को दो तरह से आंसर कर सकते हैं या तो सारे आंसर चॉइसेस को अवेल्यूएट करके या फिर डायरेक्टली अगर हमने ये चैप्टर में जो टीचर नोट दिया गया है क्लास फाइव ई वी एस अक्रॉस द वॉल में तो उसे देख के भी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं अगर हमने ये टीचर नोट जो है वो पढ़ा है तो उसमें क्लियरली लिखा है टू गिव एन अपर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू शेयर दर एक्सपीरियंस अबाउट गेम्स बिकॉज इट अलाउज़ चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वेल प्लेंग एक्सेट्रा यानी कि डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज और लाइक सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड एकक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड टीम स्पिरिट तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया गया है अब अगर हमने ये टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ा है तो ये सारे अगर हम आंसर चॉइसेस को अवेल्यूट करते हैं तो पहला वाला है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स रूल ये गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का रूल्स तो हम सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट डेवलप वैल्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वैल्यूज़ सच एज टीम स्पिरिट जो होते हैं ना वो एक्चुअली वैल्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट होते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट वाला डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर है और लास्ट वाला डेवलप एबिलिटी टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आप बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए अब क्योंकि तीन पॉजिबल करेक्ट आंसर्स है तो अगर हम इन तीनों ऑप्शन को एवेल्युट करते हैं और इन्हें रैंक करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है तो डेफिनेटली ये तीसरा वाला जो है वो स्ट्रॉगेस्ट आंसर है तो ये करेक्ट आंसर है विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी कि इनमें से ईवीएस सिखाने के लिए कौन सा बेस्ट टेक्निक होता है अब ये क्वेश्चन जो है हम एनसीआर टी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि ईवीएस सिखाने के लिए द बेस्ट अप्रोचेस आर इंक्वायरी डिस्कशन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बेस्ड एक्सेट्रा तो यहाँ पे इंक्वायरी की बात हो रही है तो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए अब अगर सारे ऑप्शनस को भी देखते हैं तो लेक्चर मेथड यहाँ पर जो है टीचर एक जगह खड़े होकर एक लेक्चर दे रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे जो है वो भी प्राइमरी क्लासरूम के बच्चे ये वो लेक्चर को समझ पाएंगे तो बच्चे जो है जल्दी बोर हो जाएंगे तो ये लेक्चर बेस्ड मेथड जो है वो प्राइमरी क्लासरूम्स में काम नहीं आता अब नेक्स्ट चौक एंड टॉक मेथड चौक एंड टॉक मेथड यानी टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और साथ ही साथ बोर्ड के ऊपर चौक से कुछ लिख रहा है अब चौक एंड टॉक मेथड भी है जो है वो प्राइमरी क्लासरूम्स में काम नहीं आता क्योंकि बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और लास्ट वाला है जग एंड मग अप्रोच अब ये है ये इसके पीछे ये थेरी है कि टीचर जो है वो एक जग के तरह होता है जिसमें बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है और बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो मग के तरह होते हैं जिसमें टीचर जो है पूरा नॉलेज पोर कर देता है अब ये जग एंड मग्ग अप्रोच जो है वो भी तभी वर्क करता है अगर बच्चे जो है बहुत ही ईगरनेस से बैठ के ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राइमरी क्लासरूम्स में जग एंड मग अप्रोच भी काम नहीं करता तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो है इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए अब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग में आप बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो इंक्वायरी कर सके या फिर क्वेश्चंस पूछ सके एक्सपेरिमेंटेशन कर सके एक्सप्लोरेशन कर सके और ख़ुद नॉलेज वो डेवलप करते हैं तो ये इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो ई के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होता है फील्ड विजिट्स आर इम्पॉर्टेंट इन ई टीचिंग विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट्स अब अगर हम क्लास थ्री फोर और फाइव के ए वी टेक्सट बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फील्ड विजिट्स या फिर फील्ड ट्रिप्स के आ, को सजेस्ट किया गया है एज ए टीचिंग एंड लर्निंग ऑपरचुनिटी तो फील्ड ट्रिप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ई में ये डेफिनेट पॉइंट है अब नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सच विजिट्स यानी कि अगर आप फील्ड ट्रिप कंडक्ट कर रहे हो या फिर फील्ड विजिट्स कंडक्ट कर रहे हो तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो ट्रू है या फिर इम्पॉर्टेंट है अब पहला है गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी अब आप कोई भी जगह जा सकते हो नियर द स्कूल या फिर बहुत ही फार ये ज़ू हो सकता है फैक्ट्री हो सकता है मार्केट हो सकता है तो जहाँ पे भी आप बच्चे को कुछ सिखाने के लिए ले जा रहे हो तो वो फील्ड ट्रिप या फिर फील्ड विजिट होता है और जब वहाँ पे जा रहे हो तो एक आपका पर्पज़ रहता है तो आपका पर्पस है कुछ सिखाने का तो इसका मतलब है कि एक प्री प्लानिंग होना चाहिए बिना प्लान के तो आप जा नहीं सकते तो एक प्री प्लानिंग होना चाहिए कि आप किस पर्पस से जा रहे हो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट करोगे क्या सिखाओगे और वापस आने के बाद फॉलो अप एक्टिविटी होना चाहिए यानी कि बच्चे को रिपोर्ट लिखना चाहिए या फिर बच्चों को अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा क्या सीखा तो ये फॉलो अप एक्टिविटी होता है कि आपको पता चले टीचर को पता चले कि बच्चों ने क्या सीखा right? तो गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे नियर द स्कूल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है तो ये करेक्ट आंसर है अब नेक्स्ट गोइंग टू अ डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेस अब जैसे कि मैंने अभी बोला नियर द स्कूल या फिर बहुत फ़ार अवे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फील्ड विजिट फील्ड विजिट होता है तो गोइंग टू ए डिस्टेंट एल नोल वेल नोन प्लेस जो है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट गोइंग टू ए नियर बाई प्लेस अगेन फर्क नहीं पड़ता कि आप नज़दीक की जगह जा रहे हो या फिर दूर वाली जगह जा रहे हो विजिट के लिए तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस अब ये ऑप्शन का कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं बनता कि क्योंकि आप जो भी प्लेस जा रहे हो किसी ने तो चूज़ किया हुआ है या तो आपने चूज़ किया हुआ है या फिर स्कूल के करिकुलम में चूज़ किया गया है तो किसी का तो चॉइस होगा तो गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस इसमें कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं होता तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे एन ई वी एस क्लास रूम शुड बी ए हैप्पी क्लास रूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन दिस रिगार्ड यानी कि एक ई वी एस क्लास रूम जो है वो एक हैप्पी क्लास रूम होना चाहिए और इस पॉइंट को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है अब इस क्वेश्चन को हम जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर अगर आपने सी आई एस सी एन्वामेंटल स्टडीज एट ए प्राइमरी लेवल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो उसमें क्लियरली लिखा है कि एन ई वी एस क्लास रूम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड ए हैप्पी क्लास रूम वेयर चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटीज टू अब्जर्व एक्सप्लोर आस क्वेश्चन डू एक्टिविटीज शेयर एक्सपीरियंसिस डूरिंग द लर्निंग प्रोसेस अब इसका मतलब यह है कि जिस क्लासरूम में बच्चों को बहुत सारा फ्रीडम मिलता है जहाँ पर वो अपने पसंद के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और वो जो सीख रहे हैं वो हँसी खुशी खेलते खेलते सीख रहे हैं तो वो हैप्पी क्लासरूम हो जाता है अब सारे अगर ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो इनमें हमें ये देखना चाहिए कि किस में बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है जिसमें वो हंसते खेलते कुछ सीख सकते राइट तो पहला है टीचर रिमेंस हैप्पी एंड द स्टूडेंट्स फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस हैप्पीली अब अगर टीचर हैप्पी है और इंस्ट्रक्शन दे रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है वो हैप्पीली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे बच्चों को अगर आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो बहुत ही दुखी दुखी होकर वो इंस्ट्रक्शन शायद फॉलो करेंगे तो so, ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता क्योंकि ये हैप्पी क्लास नहीं हो सकता नेक्स्ट एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सो दैट दे रिमेन फोकस्ड इन द रिटर्न वर्कस अब अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप क्लास में इन्फोर्स कर रहे हो राइट right? तो बच्चे डर डर के काम कर रहे हैं तो वो हंसी खुशी हंसी खुशी कुछ सीखने रहे हैं। तो ये भी जो है एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज़ ये जो है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारा ऑपर्चुनिटी मिल रहा है कि वो खुद कुछ ऑब्जर्व कर सके एक्सप्लोर कर सके क्वेश्चन पूछ सके और ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिसमें उनको खुशी मिलती है तो ये प्रिसाइजली यहाँ पर यह गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन डू एक्टिविटीज़ तो ये करेक्ट आंसर है लास्ट वाला है इन्श्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रहेंशन अब अगर वो किताब पढ़ रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो ये जो है ये हैप्पीनेस का फॉर्मूला तो नहीं हो सकता तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों को बहुत सारा फ्रीडम मिलता है तो वो करेक्ट आंसर है क्योंकि इससे जो है एक हैप्पी क्लासरूम बनता है ए फैमिली ट्री इज़ ए यूजफुल टूल फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग अमोंग चिल्ड्रन तो फैमिली ट्री जो है वो एक यूज़फुल टूल होता है एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि फैमिली ट्री के बारे में लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अब यह फैमिली ट्री क्या होता है फैमिली ट्री ऐसा एक डाग्राम होता है जिसमें आप पूरे फैमिली को मैप कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर दादा दादी और नाना नानी ना ना है और फिर नेक्स्ट लेयर पर उनके बच्चे हैं और नेक्स्ट लेयर पे जो थर्ड जनरेशन है वो आप दिखा रहे हो तो अब फैमिली ट्री अगर ऐसा एक चार्ट है तो सारे स्टेटमेंट्स को वैल्यूट करते हैं देखते हैं कि किस में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है पहला है इट इज़ अबाउट जॉइंट फैमिली एंड द रिलेशनशिप्स ये गलत स्टेटमेंट है ये गलत इसलिए है क्योंकि आप इसी ट्री में देख सकते हैं कि दादा दादी नाना नानी ना जो है वो एक ही फैमिली ट्री में है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हों वो अलग अलग घर में भी रह सकते हैं लेकिन फिर भी वो एक ही फैमिली के तो पार्ट है तो ये जरूरी नहीं कि फैमिली ट्री सिर्फ जॉइंट फैमिली के बारे में हो नेक्स्ट इट इज़ ओनली अबाउट द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आप इस फैमिली ट्री को जितना एक्सटेंसिवली चाहो उतना एक्सटेंसिवली लिख सकते हो जैसे कि अगर आप अपने कजिन्स को उनके रिलेटिव्स को और अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी इस ट्री में इंक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड कर सकते हो आपको सिर्फ ये चार्ट करना होता है कि आपके और उन रिलेटिव्स डिस्टेंट रिलेटिव्स के बीच में क्या रिलेशन है ने? किसके थ्रू रिलेशन होता है तो अगर वो चार्ट कर सकते हो तो उन्हें भी आप फैमिली ट्री में ऐड कर सकते हो तो ये जरूरी नहीं कि इट इज़ ओनली अबाउट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स तीसरा है इट इज़ ओनली अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द फैमिली एंड द रिलेशन बिटवीन द अदर फैमिली मेम्बर्स ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ ये ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नहीं है ये कजिन्स के बारे में हो सकता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में हो सकता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द जूनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हो सकता है तो ये स्टेटमेंट जो है इट इज़ ओनली अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द फैमिली, ये एक गलत स्टेटमेंट है फिर लास्ट वाला है इट पर्टेंस टू रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशंस ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये फैमिली ट्री का सबसे बेसिक फंडामेंटल एट्रीब्यूट होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन है वो दादा दादी और नाना नानी यहाँ पे सेकंड जनरेशन है यानी कि ये दादा दादी और नाना नानी ना के जो बच्चे हैं तो ये यहाँ पे आ गया फिर थर्ड जनरेशन जो है वो लास्ट में आता है तो ये सारे जनरेशन्स ऑफ फैमिलीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आप फैमिली ट्री के द्वारा देख सकते हो तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है एन इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ई इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से कौन सा एक ई वी असेसमेंट का इंडिकेटर है अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर किया जा सकता है एक अगर आपने ये ई वी एस एन सी आर टी टेक्सट बुक पढ़ा हुआ है क्लास फाइव का और उसमें ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स को रेफर करते हो तो वहाँ पे ये इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट को लिस्ट किया गया है और इस लिस्ट में जो है सेकेंड पॉइंट डिस्कशन वो यहाँ पर आंसर चॉइस में भी है तो ये करेक्ट आंसर है और इसे कॉमन सेंस के थ्रू भी आंसर किया जा सकता है अगर आपको एक बेसिक आइडिया है कि ई में इंडिकेटर्स क्या होते हैं अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होता है अब आपके बाइक में या फिर कार में ना एक स्पीडोमीटर होता है ये स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका गाड़ी जो है फिलहाल कितने स्पीड से जा रहा है अब इस इंडिकेटर के थ्रू आपको पता चलता है कि कार कितने स्पीड से जा रहा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाता है राइट तो वैसे ही अगर आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हो क्लास में जिससे आपको पता चलता है कि स्टूडेंट एक्चुअली क्या सीख रहा है या फिर कितना उसका लर्निंग हो रहा है राइट तो वो एक इंडिकेटर होता है असेसमेंट का अब अगर सारे ऑप्शनस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है डिस्कशन अब डिस्कशन जो है अगर बच्चा क्लास में ई के बारे में अच्छा डिस्कस कर पा रहा है अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो इसका मतलब है उसको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ रहा है उसके पास उसको सब्जेक्ट लेकिन उसके दिमाग में उतर रहा है तो इसका मतलब है डिस्कशन जो है वो एक इंडिकेटर फॉर असेसमेंट है ऑफ ई अब नेक्स्ट वाला है रिकॉलिंग अब रिकॉलिंग क्या होता है अगर बच्चे ने कुछ मेमोराइज़ किया हुआ है उसको समझ में आए या ना आए लेकिन वो अगर पूरा रट्टा मार के फिर से जब टीचर पूछ रही है या फिर पूछ रहा है तब वो अगर फिर से पूरा उगल रहा है तो उसे बोलते हैं रिकॉलिंग अब जैसे कि आप जानते हैं ई में जो है मेमोराइजेशन रोट लर्निंग या फिर जो रट्टा मारना जो है वो स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया जाता है तो इसका मतलब है रिकॉलिंग एक ई का इंडिकेटर नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा रिकॉल तो कर पा रहा है क्योंकि उसको याद है लेकिन उसको समझ में आया कि नहीं वो तो आपको पता नहीं चल रहा है वो तो सिर्फ डिस्कशन के बाद ही पता चलता है तो रिकॉलिंग इंडिकेटर नहीं हो सकता सिमिलरली स्टेटिंग अगर आप बच्चे को बोलते हो कि स्टेट द फॉलोइंग राइट right? तो वो कुछ उसको याद है तो वो फिर से स्टेट कर पा रहा है तो स्टेटिंग जो है वो भी memorization के थ्रू ही होता है तो ये भी इंडिकेटर नहीं हो सकता फिर लास्ट वाला है लिस्टिंग तो अगर आप बच्चे को बोलते हो नेम द स्टेट्स ऑफ इन इंडिया तो बच्चे बच्चा जो है वो याद रखता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं वो उसका लिस्ट बनाता है तो उसको समझ में आया कि नहीं कि स्टेट्स क्या होते हैं कौन सा स्टेट किस में कहाँ किस तरफ आता है ये आपको पता नहीं चलता है। आपको सिर्फ यह पता चलता है कि बस बच्चे ने जो है वो पूरा मेमोराइज किया हुआ है तो लिस्टिंग भी जो है वो इंडिकेटर नहीं हो सकता तो इन ऑप्शंस में डिस्कशन इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ई वी एस अंडर द थीम मैपिंग फॉर क्लास थ्री स्टूडेंट्स विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स यानी कि क्लास थ्री स्टूडेंट्स से अगर आपको मैपिंग का एक्टिविटी करवाना है तो इनमें से कौन सा बेस्ट है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर किया जा सकता है कि अगर आप एन सी आर टी ई वी एस क्लास थ्री टू फाइव सिलेबस डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो उसमें मैपिंग के बारे में लिखा है जो इन्फॉर्मेशन लेके हम आंसर को चूज कर सकते हैं नहीं तो भी अगर सारे ऑप्शंस को हम थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट आंसर है जैसे कि पहला वाला बोल रहा है आज देम टू ड्रा ए स्केच ऑफ दर हाउस अब क्लास थ्री के बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो है घर में रहेंगे या फिर स्कूल में रहेंगे तो अगर आप ड्रॉ स्केच ऑफ दर हाउस बोलेंगे तो वो अपने घर से बहुत ही फेमिलियर होंगे तो ये जो है ये शायद अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है तो इसे मार्क करके छोड़ देते हैं अभी राइट नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अब आस्क देम टू तो ड्रॉ ए रूट फ्रॉम देयर होम टू तो स्कूल अब थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो खुद चल के तो स्कूल नहीं आएंगे शायद उनको शायद अपने उसके उनके पेरेंट्स ड्रॉप करेंगे या फिर वो स्कूल बस में आएंगे या फिर वो एक ऑटो में आएंगे तो जब वो खुद नहीं चल के आ रहे हैं घर से स्कूल तक तो उनको कैसे याद रहेगा कि उनके घर से स्कूल का रूट कौन सा है और ये क्लास थ्री के बच्चे हैं राइट सो so, बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो ड्राइंग द रूट फ्रॉम देयर होम टू स्कूल जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ये क्लास थ्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है नेक्स्ट है आज तम टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ देयर क्लासरूम ये भी जो है ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है तो ये भी शायद करेक्ट आंसर है तो इसे भी पार करके छोड़ देते हैं अब नेक्स्ट वन आज टेम टू ड्रा अ स्केच ऑफ द नेबरहुड अगेन यहाँ पे हम क्लास थ्री के बच्चों की बात कर रहे हैं उस एज में बच्चों को खुद इंडिपेंडेंटली uh, तो छोड़ा नहीं जाता शायद कि आप जाओ नेबरहुड घूम के आओ तो उनको हमेशा जो है उस उनके पेरेंट्स या फिर उनके घर में जो बड़े हैं उनके ब्रदर सिस्टर अंकल आंट वो उनको बाहर ले जाते होंगे तो इसका मतलब है ये क्लास थ्री के बच्चों को उतना आइडिया नहीं रहेगा कि उनका खुद का नेबरहुड जो है वह कैसा है तो उसको अगर आप स्केच करने को बोलोगे तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो गया तो ये भी ग्रेड थ्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है अब जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं दैट इज़ स्केच ऑफ दर हाउस एंड डायग्राम ऑफ द क्लासरूम अगर इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो ये एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे करवा रहे हो ये एक्टिविटी अगर क्लासरूम में करवा रहे हो तो बच्चों जो है अगर अपने आजू बाजू में देखेंगे तो उनका क्लासरूम इजीली देख सकते हैं वो राइट वो इमिडिएटली देख के वो क्लासरूम का जो डायग्राम है वो बना सकते हैं तो ये जो है ये सबसे आसान वाला एक्टिविटी हो गया तो करेक्ट आंसर यही है अब इसके बाद में आता है स्केच ऑफ़ दर हाउस राइट अगर ये एक्टिविटी घर में कंडक्ट किया जा रहा है तो शायद द स्केच ऑफ द हाउस मोर अप्रोप्रिएट है बट क्लासरूम एक रेक्टेंगल होता है या फिर एक स्क्वायर होता है तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी हो गया और ग्रेड थ्री के लिए ये अप्रोप्रिएट है अगर हम एन सी आर टी ई वी एस क्लास थ्री टू क्लास फाइव सिलेबस डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग के बारे में वेन दे बिगिन इन क्लास थ्री थ्रू अ बेसिक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दर क्लास रूम तो यही बात जो है सिलेबस डॉक्यूमेंट में भी मैंशनड है तो ये करेक्ट आंसर है a टीचर हैज़ to टीच द सब थीम एनिमल्स टू क्लास थ्री स्टूडेंट्स विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोर अप्रोपरेट टू ट्रांजेक्ट दिस थीम फॉर द लर्नर यानी कि एक टीचर को क्लास थ्री स्टूडेंट्स को एनिमल्स के बारे में सिखाना है तो इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट होता है अब ई में एक फंडामेंटल आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ई में मेमोराइजेशन या फिर रोड लर्निंग जो है या फिर सिर्फ चीज़ों को याद रखना जो है वो डिस्करेज किया जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन को इनक्रेज किया जाता है तो हमें इन सारे ऑप्शंस को देख के ये एवेल्यूट करना है कि इनमें से बेस्ट एक्सपीरियंस किस में आएगा बच्चों को अब पहला है आस्क स्टूडेंट्स टू लिस्ट आउट एनिमल्स लिस्ट आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स अब बच्चे जो है अगर एनिमल्स के नाम को याद रख के फिर उनको रट के फिर टीचर जब पूछ रही है तब वो पूरा लिस्ट को अगर उगल रहे हैं तो ये कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी है नहीं ई में क्योंकि ये मेमोराइजेशन है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट है टेल नेम्स ऑफ़ एनिमल्स टू स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ एनिमल्स के नाम बता रहे हो स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको बोलता हूँ प्लाटिपस तो अगर आपने प्लाटिपस नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ प्लाटिपस राइट तो टेलिंग नेम्स ऑफ एनिमल्स टू स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है अब नेक्स्ट टेक स्टूडेंट्स ऑन ए ट्रिप टू द जू टू डू गिव दैम ए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस अब यहाँ पर जो है अगर आप बच्चे को जू पे ले जा रहे हो और वो रियल लाइफ में एनिमल्स को देख रहे हैं तो इसमें जो है बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो रियल लाइफ में देख पा रहे हैं एनिमल्स को अगर आप एक किताब में पिक्चर्स दिखा रहे हो एक एलिफेंट को एलिफेंट का पिक्चर और एक डक का पिक्चर तो दोनों जो है शायद टेक्सट बुक में सेम साइज़ में ड्रा किए जाएँगे तो टेक्स्ट बुक में देख के शायद उनको एनिमल का आउटलाइन या फिर एनिमल का पिक्चर याद रहेगा लेकिन उनको ये समझ में नहीं आएगा कि रियल लाइफ में उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि एलिफेंट जो है वो डक के मुकाबले बहुत ही बड़ा है लेकिन जब ज़ू में देखते हैं तो वो डक को देख सकते हैं एलिफेंट को देख सकते हैं तो उनको एक रियल लाइफ में अंदाज़ा आता है कि ये एलिफेंट क्या चीज़ है और डक क्या चीज़ है राइट तो टेकिंग स्टूडेंट्स टू द ट्रिप ज़ू एंड गिविंग द माई कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को एनिमल्स के बारे में सिखाने का तो ये करेक्ट आंसर है अब लास्ट वाला है शोज कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ अ वाइटीज़ ऑफ एनिमल्स टू गिव दम अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनिमल्स अगर आप कलर्ड फोटोग्राफ्स दिखा रहे हो तो मैंने जैसे बोला बच्चों को उन एनिमल्स का एक आउटलाइन या फिर उनका उनके बारे में थोड़ा तो नॉलेज आ जा जाएगा लेकिन उनको पूरा कॉन्टेक्चुअली आइडिया नहीं आता कि ये एनिमल्स जो है वो रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं क्योंकि फोटोग्राफ्स तो सारे एक ही साइज़ के होंगे तो उनसे बच्चों को ठीक से अंदाज़ा नहीं होगा तो ये भी जो है ये उतना आइडियल नहीं है क्लास थ्री के बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखाने के लिए अब अगर हम एन क्लास थ्री ई वी एस बुक में जो टीचर्स नोट्स है वो पढ़ते हैं तो उसमें भी एक पॉइंट लिखा गया है कि यू शुड इनक्रेज चिल्ड्रन टू लुक केयरफुली एट एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देर ओन राइट तो लुक केयरफुली एट एनिमल्स ये बच्चे कहाँ कर सकते हैं जू में कर सकते हैं तो अगर टेक्स्ट बुक देखते हैं तो उसमें भी यही आंसर दिया गया है कि टेकिंग चिल्ड्रन टू द जू एंड गिविंग द अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर बेस्ट आंसर डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ए साइंटिस्ट यानी डॉक्टर ब्यूमेंट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ने से बच्चों को साइंटिस्ट के रोल के बारे में उनके काम के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है अब अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो ऑफ साइंटिफिक मेथड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस यानी कि जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने रेगुलर काम के लिए तो ये साइंटिफिक मेथड होता है तो इस साइंटिफिक मेथड के छः स्टेप्स को नीचे दिए गए हैं तो और इन स्टेप्स को हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है अब डॉक्टर बियोमेंट के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्चुअली क्लास फाइव ई वी एस बुक में चैप्टर थ्री दैट इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग इसमें एक स्टोरी है ए स्टमक विद ए विंडो तो इस स्टोरी में इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा गया है अब इनके ये जो डॉक्टर ब्यूमेंट थे ये एक्चुअली एक मेडिकल डॉक्टर भी थे और एक एक साइंटिस्ट भी थे और इनका एक पेशेंट था जिसके पेट में कुछ इंजरी हो गया था और एक बड़ा सा छेद छेद हो गया था जिसके थ्रू उसके इंटरनल ऑर्गन्स उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्चुअली दिखते थे बाहर तो डॉक्टर ब्यूमेंट ने जो है उन्हें उन्होंने इस पेशेंट को ऑब्जर्व किया कि जब भी ये पेशेंट कुछ खाता है तो कैसा फूड ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से गुजरता है या फिर Uh, कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो वो एक्चुअली कुछ ऑब्जर्व कर सकते थे तो इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ हाइपोथिस बनाया और प्रूव किया तो ये है डॉक्टर व्योमेंट के एक्सपेरिमेंट्स और इस चैप्टर में जो डॉक्टर व्योमंट ने जो स्टेप्स यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने में राइट या फिर उस उनके जो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स थे वो लिस्ट किए गए हैं तो अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके ये छः स्टेप्स जो है इनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं नहीं तो भी अगर ये सारे सिक्स स्टेप्स को एक बार लॉजिकली देखते हैं अगर इनके इनके मतलब को समझते हैं तो भी हम इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं कल घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक पंछी नज़र आता है हवा में राइट तो आई मेक एन ऑब्जर्वेशन कि अरे यार एक पंछी उड़ रहा है राइट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पहला हो गया सिक्स नेक्स्ट आई आस्क ए क्वेश्चन दैट इज थ्री मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अरे यार ये पंछी उड़ कैसे रहा है हवा में अब नेक्स्ट आई प्रपोज ए हाइपोथेसिस यानी कि टू मेरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि अरे यार ये पंछी उड़ रहा है इसके पंख है ना शायद इसीलिए ये उड़ पा रहा है राइट right? तो ये पंखों की वजह से ये उड़ रहा है ये मेरा हाइपोथेसिस है अब नेक्स्ट मैं एक प्रोडिक्शन करता हूँ दैट इज फाइव मेरा प्रडिक्शन ये है कि अगर ये पंछी जो है उसके पंख है इसीलिए ये उड़ रहा है तो अगर मैं एक मॉडल बनाऊंगा और उसे भी विंग्स लगाऊंगा तो वो मॉडल भी उड़ने लगेगा तो वो मेरा प्रडिक्शन है अब इस प्रडिक्शन को मुझे टेस्ट करना है तो आई हैव टू टेस्ट द प्रडिक्शन इसके लिए मैं एक मॉडल बनाता हूँ उसे उसको विंग्स लगाता हूँ और उसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ अब ये हो गया फोर टेस्टिंग द प्रडिक्शन अब ये मॉडल उड़ता है कि नहीं उड़ता है उसके उस एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स है वो मैं नोट करता हूँ और उस रिजल्ट्स के बेसिस में कुछ कंक्लूजन्स में ड्रा करता हूँ कि अरे यार ये उड़ रहा है तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है तो आ, मैं देखूँगा कि इस मॉडल को बेहतर कैसे भी बना जा सकता है अगर मॉडल नहीं उड़ता तो मैं उस रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करता हूँ और कंक्लूजन ड्रा करता हूँ कि शायद इस मॉडल के विंग्स जो है वो छोटे हैं तो इसीलिए इस विंग्स को बड़े करने पड़ेंगे तो वो मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा रिकॉर्ड रिजल्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन वो लास्ट स्टेप है यानी कि सिक्स थ्री टू फाइव फोर वन वो सीक्वेंस होना चाहिए सिक्स थ्री टू फाइव फोर वन लास्ट वाला ऑप्शन है तो ये करेक्ट ऑप्शन है द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ गिविंग स्टूडेंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज वॉट यानी कि बच्चों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सिखाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है अब क्योंकि हम ई की बात कर रहे हैं तो ई में जो है थियोरेटिकल लर्निंग को एक्चुअली डिस्करेज कराया जाता है जस्ट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग को डिस्करेज किया, किया जाता है और जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है उसे इनक्रेज किया जाता है राइट तो अब हम ये चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है गिव देम बुक्स एंड आर्टिकल्स टू स्टडी अबाउट बर्ड स्पीशीज अगर बुक्स दे रहे हो आर्टिकल्स दे रहे हो तो ये पूरा थेरी हो गया राइट तो इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे नेक्स्ट वाला है शो देम डॉक्यूमेंट्रीज ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स हाँ डॉक्यूमेंट्रीज जो है ये खाली बुक्स पढ़ने से अच्छे हैं लेकिन ये भी जो है वो थेरी हो गया तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे नेक्स्ट वाला है टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग अब बच्चों को जो है अगर आप एक फील्ड ट्रिप पे बर्ड सेंचुरी ले जाते हो तो वो रियल लाइफ में देख सकते हैं कि कितने तरह के बर्ड्स हैं वो कैसे उड़ते हैं वो कैसे नेस्ट बनाते हैं तो ये हो गया प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंशल लर्निंग तो टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग जो है ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वाला है गिविंग टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑन एंडेंजर्ड बर्ड्स अब अगर टॉक्स दे रहे हो लेक्चर दे रहे हो तो बच्चों को एट अ प्राइमरी लेवल ये जो है बहुत ही बोरिंग लगेगा और ये थियोरी हो गया तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे अब अगर हम क्लास थ्री के टेक्स्ट बुक देखते हैं या फिर क्लास फोर के टेक्सट बुक देखते हैं तो क्लास थ्री के टेक्स्ट बुक फ्लाइंग हाई चैप्टर में ये लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू डेवलप चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन बर्ड्स लेट दैम अब्जर्व द बर्ड्स और क्लास फोर के टेक्स्ट बुक ए बिजी मंथ चैप्टर में लिखा गया है चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू ऑब्जर्व बर्ड्स राइट तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी देखे तो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा इम्फोसिस दिया गया है यानी कि टेक दम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्वेशन जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आदित्य इज अ गिफ्टेड बॉय एंड फील्स हिज क्लास टीचर शुड केटर टू हिज क्यूरियासिटी वॉट इंटरवेंशन इज हिज टीचर रिक्वायर टू मेक यानी आदित्य जो है वो एक गिफ्टेड बॉय था यानी कि ये अपने क्लासमेट्स के मुकाबले शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट था या फिर जल्दी सीख लेता था और अब इसके टीचर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर हम एन ई पी को रेफ़र करते हैं तो उसमें एक सेक्शन है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट्स जिसमें यह लिखा गया है कि टीचर्स विल एम टू एनकरेज स्टूडेंट्स विद सिंगुलर टैलेंट्स आर टैलेंट्स इन द क्लासरूम बाय गिविंग देम सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटीरियल एंड गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट अब अगर सारे ऑप्शन को देखते हैं तो पहला है गिविंग हिम एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा टाइम जो है वो सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटीरियल नहीं है तो इसे निकाल देंगे नेक्स्ट बींग मोर अफेक्शनेट टू हिम ये भी करेक्ट आंसर नहीं है नेक्स्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द क्लास ये भी करेक्ट आंसर नहीं है और लास्ट वाला है यूज सम कस्टमाइज मटीरियल टू टीच हिम अब कस्टमाइज मटेरियल जो है वो एक्चुअली सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटेरियल होता है तो ये करेक्ट आंसर है यानी कि अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है क्योंकि वो जल्दी सीख रहा है और वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे जाने के लिए तैयार है तो ये कस्टमाइज मटेरियल या फिर सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटीरियल जो है वो उसको ज़्यादा सीखने में मदद करते हैं वो कुछ हायर लेवल के बुक्स हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक्स हो सकते हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर Which one of the following is a part of environmental studies? अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जैसा लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्वामेंटल स्टडीज़ जो है वो एक इंटीग्रेशन होता है साइंसेस, सोशल साइंसेस और इन्विरामेंटल एजुकेशन का और जब हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है इश्यूज़ एंड कंसर्नस ऑफ साइंस एंड सोशल साइंसेस ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ एन्विमेंटल एजुकेशन ये भी करेक्ट है और नेक्स्ट वन इश्यूज कंसर्न ऑफ सोशल साइंस ये भी करेक्ट आंसर है लास्ट वन इश्यूज एंड कंसर्नस ऑफ सोशल इनिक्वालिटीज़ ये भी करेक्ट आंसर है अब अगर एक से ज़्यादा अगर करेक्ट आंसर्स नज़र आ रहे हैं तो तब हमें सारे ऑप्शंस को जो करेक्ट ऑप्शंस है उन्हें एवेल्यूएट कर लाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा सबसे कॉम्प्रहेंसिव है जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स कवर होते हैं अब पहला लास्ट से शुरू करते हैं तो इश्यूज एंड कंसर्नस ऑफ सोशल इनिकवालिटीज़ तो ये जो है सिर्फ एक पॉइंट कवर कर रहा है नेक्स्ट इश्यूज एंड कंसर्नस ऑफ सोशल साइंसेज तो ये भी एक पॉइंट कवर कर रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ये भी सिर्फ एक पॉइंट कवर कर रहा है नेक्स्ट इश्यूज एंड कंसर्नस ऑफ साइंस एंड सोशल साइंसेस हो गया तो यहाँ पे दो पॉइंट है तो ये पहला वाला जो है वो मोर कॉम्प्रहेंसिव तो ये करेक्ट आंसर है ड्रामाटाइजेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड ऑफ़ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ई वी एस फॉर स्लो लर्नर्स यानी कि ड्रामाटाइजेशन या फिर स्टोरी टेलिंग तो इसका इस्तेमाल करके टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ई वी एस स्लो लर्नर्स के लिए ईजी हो जाता है यानी कि जो बच्चे मुश्किल से सीख रहे हैं कुछ राइट उनको अगर ड्रामा या फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं तो उनको ईजीली वो समझ में आ जाते हैं अब विच इज़ द बेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर सेलेक्टिंग द ड्रामाटाइजेशन टेक्निक फॉर देम सिंस ये ड्रामा टेक्निक या फिर जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ये इसके पीछे क्या वजह है ये टेक्निक क्यों यूज़ किया जाता है ऐसे स्लो लर्नर्स को सिखाने के लिए अब ये ड्रामेटाइजेशन या फिर जो स्टोरी टेलिंग का टेक्निक है बच्चों को सिखाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो ना केवल स्लो लर्नर्स के लिए बल्कि ऑल चिल्ड्रन के लिए ये इफेक्टिव है यानी सारे बच्चे जो है अगर उन्हें सिर्फ आप थियोरी सिखाते हो तो उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता लेकिन अगर आप उसी कॉन्सेप्ट उसी थियोरी को अगर एक स्टोरी के थ्रू और एक ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट करते हो तो उन उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उसमें राइट जैसे कि अगर आप उन्हें सिर्फ थियरी सिखाते हो आई हियर तो वो आई फर्गेट हो जाता है यानी कि वो भूल जाते हैं अगर उन्हें कुछ इन रियल लाइफ कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते हो यानी कि आई सी देन आई रिमेंबर हो जाता है यानी वो उन्हें ज़्यादा देर तक याद रहता है लेकिन इफ़ आई डू यानी अगर वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं उस एक्टिविटी में देन आई अंडरस्टैंड हो जाता है यानी कि उन्हें वो एक्चुअली समझ में आता है तो अब ड्रामाटाइजेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसमें चिल्ड्रन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी आई डू तो इससे जो है वो एक्चुअली बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं उस कॉन्सेप्ट कोई अब अगर तीनों ऑप्शन को देखते हैं तो पहला बोल रहा है ट्रेडिशनल ड्रामा टेक्निक मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू रिलेट टू ए कॉन्सेप्ट यह करेक्ट है क्योंकि अगर आप एक थियोरी को ड्रामेटाइज़ करके या फिर एक स्टोरी के थ्रू सिखाते हो तो उनको वो ज़्यादा ईजिल समझ में आता है दे आर ईजी फॉर देम टू रिलेट टू अ कॉन्सेप्ट ये करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इंटरेक्टिव ड्रामा स्टे विद द स्टूडेंट्स मेमोरी फॉर लॉन्ग ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इंटरेक्टिव ड्रामा जो है वो या तो वो देख रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा याद रहता है आई रिमेंबर या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी कि उनको एक्चुअली समझ में आता है और उनको बहुत दिनों तक याद रहता है तो इंटरेक्टिव ड्रामा से जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो वो उनको बहुत दिनों तक याद रहता है तो ये स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है नेक्स्ट लास्ट वाला है स्लो लर्नर्स एंजॉय एक्टिंग ए लॉट ये स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि स्लो लर्नर्स जो है ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्टिंग पसंद है अब जो फास्ट सीख रहे हैं या या गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उन्हें भी शायद एक्टिंग पसंद है या फिर स्लो लर्नर्स को एक्टिंग शायद नहीं पसंद है तो ये स्लो लर्नर्स एन्जॉय एक्टिंग ए लॉट जो है इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं अब क्योंकि सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है तो जो भी ऑप्शन में सी है वो करेक्ट हो ही नहीं सकता तो लास्ट वाला सी है यहाँ पे तो ये गलत है नेक्स्ट सी है यहाँ पे ये भी गलत है इसमें भी सी है ये भी गलत है तो ओनली जो पहला वाला ऑप्शन है ए एंड बी वो करेक्ट हो सकता है तो ये करेक्ट आंसर है जैसे हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है स्टेटमेंट ए एंड बी जो है वो एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है तो उस हिसाब से भी ये बेस्ट आंसर है ई वी एस टेक्सट बुक्स सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर वॉट यानी ई वी एस टेक्सट बुक्स जो है उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अब अगर सारे ऑप्शनस को देखते हैं तो पहला है मेमोराइज़ द इश्यूज़ एंड कंसर्नस ऑफ ई वी एस सब्जेक्ट अब क्योंकि यहाँ पर मेमोराइज़ लिखा गया है तो मेमोराइजेशन इज़ नॉट इंकरेज इन ई वी एस यानी कि रट्टा मारना या फिर किसी को किसी टॉपिक को या फिर किसी लिस्ट को मेमोराइज़ करना वो ई वी एस में इंकरेज नहीं है तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट को हम निकाल सकते हैं फिर नेक्स्ट डिस्क्राइब द इश्यूज एंड कंसर्नस ऑफ यू वी एस सब्जेक्ट अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है राइट तो इसे हम पार करके रखते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यूज़ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बच्चे जो है यू वी एस में जो इश्यूज़ डिस्कस कर रहे कर रहे हैं तो उसके थ्रू वो खुद अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं टीचर्स के मदद से और टेक्स्ट बुक के मदद से तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट लास्ट वाला है रेस्पॉन्ड टू द इश्यूज़ एंड कंसर्न्स ऑफ यू वी एस सब्जेक्ट ये भी करेक्ट है क्योंकि उनके लेवल में जो भी इश्यूज़ को वो एड्रेस कर सकते हैं उनके बारे में अगर ई के थ्रू सिखाया जाता है तो वो एक्चुअली एड्रेस कर सकते हैं जैसे कि अगर ई में उनको सिखाया जाता है कि रिसाइकिलिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है रिसाइकिलिंग कैसे करते हैं तो वो अपने घर में जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो इश्यू जो है कि हम बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट करते हैं और रिसाइकिल नहीं करते तो उस इश्यू को वो रेस्पॉन्ड कर पाते हैं जो वो ई क्लास में सीख रहे हैं उसके थ्रू राइट तो ये टू थ्री एंड फोर ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली करेक्ट है अब हमें इनमें से बेस्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है अगर हम क्लास फाइव ई का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज़ ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स उसमें देखते हैं तो उसमें लिखा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड द राइटिंग टीम यानी जिन्होंने ये टेक्स्ट बुक जो बनाया है उनका भी ये ऑब्जेक्टिव है और ये टेक्स्ट बुक का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड बिल्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यूज़ ये यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि ये इस टेक्स्ट बुक का एक मेन ऑब्जेक्टिव है तो ये हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस भी करेक्ट है लेकिन द बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन थ्री है और इसके साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के सारे थर्टी ईवीएस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन कॉमेंट्स या फीडबैक है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम आने वे इस सीरीज़ में अगले वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं वो आप जल्द से जल्द देख पाए और अगर आपके दोस्त भी इस इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए वो उनकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी मदद हो जाएगी और दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ एंड मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ